हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? वी आर फाइन, थैंक यू। एंड यू? आई एम आल्सो फाइन। टुडे वी लर्न हाउ टू यूज ऑफ वाज वर्ब। वाज वर्ब का यूज कैसे करेंगे, इसके लिए आज हम समरी देख रहे हैं। पोजीशन अपन पढ़ चुके हैं, आज इसकी समरी है। समरी मींस क्या होता है? समरी मींस होता है सारांश। बिल्कुल सही, समरी मींस होता है सारांश, निचोड़। तो इतना पढ़ लिया आपने, ये बनना चाहिए आपसे, और नहीं बनना तो फिर एक बार अच्छे से देख लो आप, क्योंकि आज हमारे सामने तीन फॉर्मूले हैं, पास्ट के तीन फॉर्मूले हैं। लेकिन सब जगह हिंदी देखिए आप, हिंदी सीखने वालों की बड़ी परेशानी क्या है, सब में था लगा है, पूरे में था लगा है। तो हिंदी वालों की बड़ी भारी समस्या हो गई है, क्योंकि हिंदी वाले था तेजी से सीखते हैं। था यानी वॉस, बस अब पूरा था देखे वॉस लगाया फट से, और जबकि हमारे पास तो तीन अलग अलग फॉर्मूले हैं। तो इसलिए हमको ध्यान समझना है कि हिंदी से बिल्कुल नहीं समझना है आपको, आपको इसको देखना है कि कहाँ हमको वॉस लगाना है, कहाँ पे हेड लगाना है, और कहाँ पे देयर का यूज करना है। तो आज हम इकट्ठा दो यूनिट की समरी सीख रहे हैं, समरी ऑफ पोजीशन एंड लोकेशन ऑफ पास्ट। इसके बाद इंशाल्लाह टेंस आएगा, टेंस इसके बाद आएगा। तो अब पहले कंडीशन देखिए ध्यान से, कौन क्या था, कौन क्या था। तो कुछ लोगों को नहीं मालूम कौन, तो कौन देख लीजिए, कौन यानी तीनों हो गए, पर्सन प्लेस और थिंग। पर्सन प्लेस और थिंग तीनों हो गए, ये तो है सारे यूनिवर्स में, पर्सन है, प्लेस है, थिंग है। तो कौन मतलब पर्सन प्लेस थिंग सब आ गया। कौन क्या था, मैं क्या था, तुम क्या थे, सचिन क्या था, पहले सिवनी क्या था, भारत क्या था, एशिया क्या था, ये वर्ल्ड क्या था, कौन क्या था, कौन कैसा था, ईमानदार था, बेईमान था, और कौन कहाँ था। ये तीन बातें बोलना है आपको, कि जैसे बोला है मैं शरारती थे, वे ऐसा करते थे, ये होता था, वो ये थे, तो आप ये फॉर्म लगाएंगे आप, ये सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर। यहाँ वॉज और वर जो है वो मेन वर पर काम कर रहे हैं, ये ध्यान रखना आप, क्योंकि आगे आगे टेंस आएगा, उसमें वॉज और वर्ब एज अ हेल्पिंग वर्ब आएंगे, वहां वॉज वर्ब का काम करेंगे हेल्पिंग वर्ब का, और यहाँ वॉज वर्ब कैसे काम कर रहे हैं, मेन वर्ब का। प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोल रहे हैं मैं मैनेजर था, तो क्या बोलेंगे आप, आई वॉज अ मैनेजर। मैं ईमानदार था, आई वॉज ऑनेस्ट। तुम शरारती थे, यू वर नॉटी। तो इसमें आई ही शी इनके साथ लगाएंगे वॉज, अच्छे सुन लो, आई ही शी इट नेम इनके साथ क्या लगाएंगे, वॉज, और यू वी दे और प्लूरल इनके साथ क्या लगाएंगे, वर। ये पढ़ लिया, बड़ी डिटेल पढ़ ली है, वहां आपको इसके लिए अपने को पिछले लास्ट वीडियो में देखना पड़ेगा आपको। तो आई वॉज अ मैनेजर, मैं मैनेजर था, तुम शरारती थे, यू वर नॉटी। कौन कहाँ था, उसके लिए इन लगाओ, कौन कहाँ था। वह कल भोपाल में था, वह कल भोपाल में था, क्या बोलेंगे आप, ही वॉज इन भोपाल यस्टरडे। मैं कल नागपुर में था, आई वॉज इन नागपुर यस्टरडे। आई वॉज इन नागपुर यस्टरडे, कल हम लोग कोचिंग में थे सर, वी वर इन कोचिंग यस्टरडे, वी वर इन कोचिंग यस्टरडे। धोनी टीम में था, धोनी वॉज इन द टीम। तो ये तीन कंडीशन के लिए ये फॉर्मूला, पर अब कंडीशन ये बदल जाए, किसके पास क्या था। ये तो ठीक समझ में आ रहा है, किसके पास क्या था, अपन पास मिला के मैच करके बोल देंगे कि मेरे पास एक कार थी, पास आया बोल दिए, पर ये कंडीशन किसका क्या था। जैसे दो हिंदी होती है इसकी, मेरे पास एक कार थी और मेरी एक कार थी, तो सेकंड वाली हिंदी में लोग फंस जाते हैं। जैसे बोलना है मुझे काम था, ये सेंटेंस लोग पकड़ नहीं पाते, कौन सा सेंटेंस है, ये टेंस का है कि पोजीशन का है कि लोकेशन का है। मुझे काम था, ठीक है, मुझे काम था, तो ये किसके पास क्या था, तुम्हारे पास क्या था, तुम्हारे पास काम था, मतलब मुझे काम था, ये इसमें आ गया। ये किसके पास क्या था, मेरे पास एक कार थी और मेरी एक कार थी, ये दोनों एक ही बात है। फॉर्मूला क्या लगेगा इसके लिए, सब्जेक्ट, और यहाँ पर आएगा हेड, और हेड यहाँ पे काम करेगी किसका, मेन वर्ब का। ये सब मेन वर्ब काम कर रही है, ये सब हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन अभी ये सब काम कर रही है मेन वर्ब का। तो सब्जेक्ट हेड प्लस ऑब्जेक्ट। तो इससे एक बात क्या पता लगी हमको, what did we learn, हमने इसे क्या सीखे, कि इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब का काम करती हैं। इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का भी काम करती हैं, उन्हें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही नहीं समझना चाहिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट, मेरे पास एक कार थी या मेरी एक कार थी, दोनों की इंग्लिश क्या होगी, आई हैड अ कार, आई हैड अ कार। मेरे पास 100 रुपए थे, आई हैड 100 रुपीज, आई हैड 100 रुपीज। मुझे काम था, इससे काम था, कोई लड़का ऐसे काम था, ही हैड वर्क, कोई लड़की इसको काम था कल, शी हैड वर्क यस्टरडे, ठीक है। और उसके पास कुछ किताबें थी, क्या बोलेंगे, ही हैड सम बुक्स। तो ये हो गई पोजीशन। ये चार बातें जो है
ये आती है किसके अंतर्गत, पोजीशन के अंतर्गत। ये हुई पोजीशन ऑफ पास्ट। और अभी पांचवी बात देखिए, ये आती है लोकेशन, शुरू हो रही है लोकेशन। लोकेशन में क्या आता है, कहां पर क्या था, पूरे ब्रह्मांड में पहले कहां पर क्या था और कितनी संख्या में था, कितनी मात्रा में था, ये तीन बातें बोलना है। तो अब ये दो फॉर्मेट बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा और स्टार्टिंग करना पड़ेगा देयर से, देयर से। और एक है सिंगुलर है तो वॉज, और प्लूरल है तो वर। फिर किसके बारे में बता रहा है, वो नाउन रखिए यहाँ पे, नाउन। और इसके बाद कहाँ पे था, इसके बाद यहाँ भी नाउन आएगा, यहाँ भी नाउन आना चाहिए, नाउन आएगा, ठीक है। कहाँ पे था, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिवनी में, सिवनी में एक फैक्ट्री थी, क्या बोलेंगे आप, देयर वॉज अ फैक्ट्री इन सिवनी। और मेरे परिवार में, मेरे परिवार में, अच्छा यहाँ सब आएगा, पर्सन प्लेस और थिंग तीनों आ सकते हैं। मेरे परिवार में एक डॉक्टर थे, क्या बोलेंगे आप, देयर वॉज अ डॉक्टर इन माय फैमिली, देयर वॉज अ डॉक्टर इन माय फैमिली, ठीक। तो देयर वॉज अ डॉक्टर, डॉक्टर इन माय फैमिली। एक से ज्यादा जाएंगे तो लगा देंगे वर्ब। 40 छात्र थे क्लास में कल, देयर वर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास। संख्या बता रहे, संख्या, जैसे बोल रहे सर एक समस्या थी, देयर वॉज अ प्रॉब्लम, एक डाउट था सर, देयर वॉज अ डाउट, दो समस्याएं थी, there were two problems, there were two problems। और मात्रा बताना हो, quantity कितनी थी, कुछ चाय थी, कुछ चाय थी, क्या बोलेंगे आप, there was some tea, much नहीं, there was some tea। कुछ ईमानदारी थी पहले, there was some honesty, बहुत ईमानदारी थी पहले, there was much honesty, बहुत के लिए मच लगानी, बहुत पानी था, there was much water, नदी में, इन द रिवर, देयर वॉज मच वाटर इन द रिवर, बरसात में, इन द रेनी सीजन, ये पूरा सेंटेंस बोल दिया आपने कि देयर वॉज मच वाटर इन द रिवर इन द रेन, या इन द रेनी सीजन। तो बन जाए, ये दो कंडीशन अच्छे से देख लीजिए आप, पांच कंडीशन आपके सामने आएंगे, पांच प्रकार की बातें आप कर सकते हैं। और इसके आगे जब जाएंगे अपन तो वो लग जाएगा टेंस। अब इसके बाद आएगा टेंस, मतलब अपन ने अभी ये सीखे कि पहले ये क्या था, ये कैसा था, ये कहाँ था और इसके पास क्या था। अब टेंस में सीखेंगे कि ये क्या करता था, मैं फुटबॉल खेला करता था, मैंने फुटबॉल खेला, मैं फुटबॉल खेल रहा था, फिर ये सारी बातें काम में आएंगी टेंस। तो डू अंडरस्टैंड समझाएं सभी को, ओके, थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस।